नमस्कार। आज हम आपको श्री काल भैरव अष्टमी के विषय में बताएंगे। शिव रहस्य के अनुसार मार्ग शीर्ष की कृष्ण अष्टमी को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। पुराणों के मतानुसार भैरव भगवान शिव का ही दूसरा रूप है। भैरव का वाहन स्वान है। भैरव का अर्थ भयानक और पोषक दोनों ही है। इससे काल भी सहमा सहमा रहता है, इसलिए इसे काल भैरव भी कहा जाता है। मार्गशीर कृष्ण अष्टमी को दोपहर के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी, अतः यह दिन भैरवाष्टमी के रूप में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि शंकर संहार के देवता हैं, इसलिए भैरव को इसका प्रतिरूप माना जाता है। इनका व्रत बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है, इससे बड़ा फल मिलता है। व्रत का संकल्प करके दिन में काल भैरव एवं शिव शंकर का पूजन करना चाहिए। निकट के मंदिर में जाकर रात्रि में जागरण करके कीर्तन कथा जप आदि पाठ करना लाभदायक माना जाता है। पुराणों का मत है कि श्री भैरवा अष्टमी को गंगा स्नान, पितृ तर्पण, श्राद्ध सहित विधिवत व्रत करने वाला प्राणी वर्ष भर के लिए लौकिक और पारलौकिक बाधाओं से मुक्ति पा लेता है। रविवार तथा मंगलवार की भैरवा अष्टमी का अत्यंत महत्व माना जाता है। भैरव के वाहन स्वान का पूजन करके स्वान समूह को दूध दही मिठाई आदि खिलानी चाहिए। भैरव अष्टमी को हमें काल का स्मरण कराती है। काल भैरव की शरण में जाने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कहते हैं जो जीव काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके पाप कर्मों का भोग भैरव सोटे से पीटकर पूरा करते हैं। इस पीटन पाटन की क्रिया को भैरव यातना कहा जाता है। चिर काल तक नरक भोगने का कष्ट इस यातना द्वारा कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है। काल भैरव सदा धर्म साधक, शांत तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाले प्राणी की काल से रक्षा करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।